दिल्ली में ब्लास्ट के 24 घंटे बाद भी जांच एजेंसियों के हाथ अब तक खाली हैं, क्योंकि अभी भी ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने यहां पर एक्सप्लोसिव फेंका था। दरअसल सीसीटीवी कैमरा फुटेज में अब तक पुलिस को ये चीज़ नज़र नहीं आई कि कौन शख्स यहां पर से मूवमेंट कर रहा था और किसने इस जगह पर जो बम धमाके की चीज़ थी वो यहाँ पर फेंकी थी, जिससे धमाका तेज हुआ था। क्योंकि कुछ सीसीटीवी कैमरा फुटेज ऐसे हैं जिनमें 5 घंटे के पहले की तस्वीर में ये साफ हो चुका है, उससे पता नहीं चल पाया कि कौन यहां पर आया था। क्योंकि जिस तरह से रविवार की सुबह 7:47 के आसपास से धमाके की गूंज लोगों ने सुनी थी, उसके बाद यहां पर गहरा गड्ढा हो गया था। और उसके बाद जो जांच एजेंसियां हैं एनएसजी, एनआईए और उसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा फुटेज यहां पर अहम सुराग दे सकते हैं। और इसको लेकर कई किलोमीटर तक की रेंज में सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त था और कैमरा फुटेज के अंदर कुछ ऐसी चीजें तलाशने में यहां पर एजेंसियां जुटी हुई हैं, क्योंकि जिससे यह पता लग सके कि वो क्या तलाश रहे, क्योंकि यहां पर उन संदिग्धों का पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। और सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 5-6 घंटे पहले का जो फुटेज उन्होंने चेक किया है, उस फुटेज में अब तक ये नजर नहीं आया कि किसने यहां पर वो एक्सप्लोसिव फेंका था। यानी इसका मतलब साफ है कि कई घंटे पहले यहां पर उसे फेंका गया और इस एक्सप्लोसिव को फेंकने का मकसद साफ था कि कहीं ना कहीं कोई नुकसान था या कोई मैसेज देना था या फिर ये एक डेमो था एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले का, और इसलिए जांच एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर जानकारी मिल रही कि जो अब तक का फुटेज नजर सामने आया है उसमें 5-6 घंटे पहले कोई भी ऐसा संदिग्ध यहाँ पर कुछ फेंकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, किसी की मूवमेंट ऐसी नहीं है जो संदिग्ध कहा जा सके। इसका मतलब साफ है कि इससे पहले यानी शनिवार को इस जगह पर एक्सप्लोसिव रखा गया था या फेंका गया था, उस वक्त की तस्वीरें अब कुछ समय बाद साफ हो पाएगी, क्योंकि एजेंसियां अब जुट चुकी हैं।